हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क का अप्रोच। अब ये अप्रोच आपको सीखना है क्लास की, पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। आपको तो अभी पता होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से कि पीओ के पेपर में आपको सेक्शनल टाइमिंग आया है, 20 मिनट्स देगा मैथ्स को मतलब कॉन को, और 25 मिनट्स आपको रीजनिंग का मिलेगा। सो इसी सेशन में हमें यहाँ पे टाइमिंग का खेल करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आरआरबी का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे अप्रोच रखना है सिंप्लीफिकेशन पहले, मतलब सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कुछ मार्क लेकर जो कि सिंप्लीफिकेशन आपको दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका इनइक्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद आप नंबर सीरीज को देख लीजिए, नंबर सीरीज बैठा तो ठीक, नहीं बैठा तो इमीडिएट आगे बढ़ना है। और उसके बाद हम आएंगे डीआई अरिथमेटिक पे। बट यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको इस पेपर का एनालिसिस करवा रहा हूँ, तो जैसा पेपर आ रहा है वैसे ही मैं आपको अप्रोच क्लियर करते जाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। आपको यहाँ पे जो पहला ही एग्जांपल दिखा होगा वो दिखा होगा डीआई का। डीआई बहुत ही सिंपल दिख रहा है, जिसमें वैल्यूज आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। पढ़ लेते एक बार इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। टेबल गिवन बिलोज शोज द पॉपुलेशन ऑफ टू सिटीज इन फाइव डिफरेंट ईयर। पांच अलग अलग साल है, इसमें आपको दो अलग अलग सिटीज दिया हुआ है, एक्स एंड वाई। स्टडी द डेटा केयरफुली, वो तो हमें पता है कि हमें पढ़ना है। अभी क्लास यहाँ पे एक्स ये सिटी है, वाई सिटी है, सभी में आपको यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर 2010 से लेकर 2014 तक, मतलब यहाँ पे अपने को फाइव ईयर दिए हुए। सो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर आएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं। बोला पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाई इन 2014 इज व्हाट परसेंट मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स इन 2012। मतलब यहां पे 2014 में वाई सिटी का जो पॉपुलेशन है ये कितना परसेंट ज्यादा है किससे, पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स 2012 से कितना परसेंट ज्यादा, व्हाट परसेंट मोर। इसका मतलब हमें सबसे पहले 2000 वाई का वैल्यू देखना पड़ेगा। 2014 में वाई का पॉपुलेशन दिख रहा है 4800। उसके बाद यहाँ पे 2012 में एक्स का पॉपुलेशन दिख रहा है यहाँ पे आपको 3200। 4800 3200 से कितना ज्यादा दिख रहा है, परसेंट में पूछा है बट हम वैल्यू में देख लेंगे पहले। तो यहाँ पे 4800 का डिफरेंस आ रहा है 1600। अभी 1600 ज्यादा है बट आपको पूछा है यहाँ पे व्हाट परसेंट मोर, तो 1600 ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दान के बाद जो वैल्यू आती है हमेशा उसको डिनोटर में डाल दो। तो यहाँ पे एक्स सिटी का 2012 का वैल्यू दिया हुआ 3200, यहाँ पे आएगा 3200। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होगी, 0000 कैंसिल, 1 जा जाएगा 2 जाएगा, 1/2 × 200 करेंगे, 1/2 × 200 मतलब यहाँ पे होगा 50% और हमारा आंसर 50% ऑप्शन नंबर वन होगा। बहुत ही सिंपल है, ये ओरली हो सकता था क्वेश्चन, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया बट ओरली होता है। क्या होगा यहाँ पे 4800 − 1600 = 3200 मतलब हो जाएगा 1600 / 3200 = 1/2 × 200 की वैल्यू होती है 50% एंड 50% इज द आंसर। ये हमारा पहला एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स इन 2013 इज 33.13% मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स इन 2013। मतलब यहां पे देखो डेटा में आपको मेल फीमेल का कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। जो क्वेश्चन में बोला है कि मेल पॉपुलेशन जो एक्स सिटी का है 2013 में ये 33.33 से ज्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में। अभी क्लास यहां पे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जब भी परसेंट की बात होती है तब हम मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, सुनिए। अभी यहां पे हम लोग लेंगे मेल अपॉन फीमेल, क्योंकि बोला है मेल ये ज्यादा है 33.33%। 33.33 की वैल्यू होती है 1/3। मैंने आपको बताया था क्लास में कि 1/3 जो है मोर बोला, तो 3 में 3 को 1 में ऐड कर दो हो जाएगा 4/3। तो यहां पे लिखेंगे 4/3 इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन सिटी एक्स इन 2013। उसके बाद बोला है यहां पे कि आपको डिफरेंस निकालना है यहां पे मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स इन 2013। मतलब जो मेल फीमेल की बात कर रहे हैं उसी का हमें डिफरेंस निकालना है। अभी डिफरेंस में 4 पार्ट और 3 पार्ट का डिफरेंस आता है डायरेक्टली 1 पार्ट, मतलब 1 पार्ट के लिए निकालना है। आपको क्लास यहां पे टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, ऑब्वियसली यहां पे 2013 में हमें सिटी एक्स का 2800 टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, मेल फीमेल मिलाकर टोटल होगा। मतलब डायरेक्टली ओरली करेंगे, क्या करेंगे 4 + 3 दैट इज 7 पार्ट टोटल पॉपुलेशन, 7 पार्ट के वैल्यू 2800, 1 पार्ट हो जाएगा 400, 1 पार्ट 400। मतलब देखो आप डिफरेंस भी चेक करो, एक ही पार्ट आ रहा है, मतलब 1 पार्ट के वैल्यू 400, तो 400 अपना आंसर हो जाएगा। सो डायरेक्ट अपना आंसर आ रहा है 400, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पे मेल फीमेल से 33.33% ज्यादा है, 33.33% की वैल्यू होती है 1/3, मोर बोला तो 3 में ऐड कर दो,
4/3 रेशो आ जाएगा, दोनों का पॉपुलेशन मिलाकर 7 पार्ट, उसके लिए 2800, 1 पार्ट 400, डिफरेंस भी 1 पार्ट आ रहा है, तो 1 पार्ट के लिए 400 इज द आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट तीसरे पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स एंड वाई इन 2011 डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इन द रेशो 7:5:4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन इन 2011। बहुत सिंपल, आपको यहाँ पे सिटी एक्स और सिटी वाई में 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 में सिटी एक्स का और सिटी वाई दोनों में मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का रेशो दिया हुआ है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पे इधर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का रेशो ये लिख लेंगे, इधर कैटेगराइज करेंगे, इधर भी वैसे ही कैटेगराइज करेंगे, फिर वहां पे हमें मेल फीमेल इसका डेटा मिलेंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालने वाले मेल और फीमेल पॉपुलेशन का। देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करो, वो जो रेशो है वो दोनों के लिए कॉमन ही है, मतलब एक्स में 2011 1600 और इसके लिए भी कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 2400 और यहां पे 1600 दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे यहां पे कितना 4000 ये टोटल आया। इस 4000 को हम लोग इस रेशो में बांट देंगे, मतलब यहां पे 4000 को हम लोग रेशो बांटेंगे, इसका आया मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, वैसे ओरली हो सकता है, मैं आपको लिखवा रहा हूं, रेशो दिवन है आपको यहां पे 7:5:4, यहां पे 4 आपको यहां पे मेल फीमेल का ही रेशो निकालना है। सो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस दिख रहा है आपको, मेल फीमेल का 2 पार्ट, यहां पे 2 पार्ट आएगा, आउट ऑफ सबका एडिशन करेंगे, 7+5=12, 12+4=16, तो यहां पे 16 आएगा, इनटू यहां पे 2000 4000 हो जाएगा, सो यहां पे 4000 16 जाएगा, यहां पे 1 बचे यहां पे कितना 14, उसके बाद यहां पे 16 जाएगा 2 एक्सटर्नली, सॉरी हाँ जाएगा 16 जाएगा 2 32 बचे यहाँ पे 8 16 जाएगा पे 5 0 250 आएगा, 250 × 2 250 × 2 500 इज द आंसर, तो यहाँ पे 500 इज द ऑप्शन नंबर 2 खत्म। सो क्लास बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, क्या किया हमने, मेल फीमेल सॉरी एक्स और वाई के सिटी का हमने 2011 का ऐड कर दिया, 2 आया 4000 को हमने इस रेशो में बांट दिया, जो रेशो डायरेक्टली दिया था, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करोगे यहाँ पे 7 और 5 का डिफरेंस निकालोगे, क्योंकि मेल फीमेल दिया हुआ है, डिफरेंस आ रहा है 2 पार्ट आउट ऑफ कितना, 2 सबका एडिशन 7 और 5 12 12 और 4 16 पार्ट, तो यहाँ पे 2 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट किसका 4000 का, सॉल्व करेंगे 250 × 2 500 इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोला है एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाई इन 5 इज हाउ मच मोर देन द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स इन 5 ईयर। आपको यहां पे एवरेज कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा नहीं पूछा है, कितना ज्यादा है पूछा है, सिंपल सिंपल, जैसे ए बी से कितना ज्यादा, इसका मतलब ए और बी का डिफरेंस ही निकालना होता है, वैसे यहां पे सिटी वाई सिटी एक्स से कितना ज्यादा है पूछ रहा है, मतलब डिफरेंस ही निकालना है एवरेज का। अभी जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसका एवरेज निकालेंगे अलग से, फिर इसका एवरेज निकालेंगे अलग से, फिर यहां पे डिफरेंस निकालेंगे, वैसे आंसर निकलता है, बट इससे भी डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट कैसे करना ये बता रहा हूं, ठीक है, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू से ज्यादा कितना है ये पूछ रहा है, मतलब एवरेज कितना ज्यादा है, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं सुनो, वाई को फिक्स करता हूं, वाई की वैल्यू को फिक्स करता हूं, आपको वाई की वैल्यू में से ही एक्स की वैल्यू माइनस करना है, अपन लास्ट में पहले डिफरेंस निकालेंगे बाद में एवरेज निकालेंगे तो भी चल जाता है, आंसर वही आता है। तो y की वैल्यू 1800 मतलब पहली वैल्यू और इसमें से 2400 माइनस करते हैं, तो 1800 में से 2400 गया, माइनस 600 आएगा, सो हम लोग यहां पे -600 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट 2400 में से 1600 गया तो ये 800 आएगा, अभी यहां पे +800 आएगा तो +800 लेना, मतलब आपको क्या करना है, y का जो वैल्यू है उसको फिक्स रखना है, उसमें से हमें x माइनस करना है, तो यहां पे अगर माइनस में आया तो माइनस लिखो, प्लस में आया तो प्लस लिखो, तो डायरेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, 1800 में से 2400 गया -600, 2400 में से 1600 गया हो जाएगा यहां पे हमारा कितना +800 हो जाएगा, ठीक है ना, 600 यहां पे 400 800 हो जाएगा, तो यहां पे +800 होगा। उसके बाद यहां पे आगे क्या हो रहा है, 2800 में से 3200 गया मतलब -400 हो जाएगा, तो यहां पे -400 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3600 में से 2800 गया +800 हो जाएगा, तो ये +800 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 4800 में से 4000 गया तो यहाँ पे 800 हो जाएगा।
तो ये आया इनका डिफरेंस लेंगे डायरेक्टली, इसको सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे क्या कैंसिल होता है देखो, माइनस 600 प्लस 800 ये हो जाएगा प्लस 200, प्लस 200 माइनस 400 ये हो जाएगा माइनस 200, माइनस 200 प्लस 800 ये हो जाएगा 600, 600 एंड 800 यहाँ हो जाएगा 1400, मतलब यहाँ पे 1400 यहाँ पे इनका डिफरेंस आया। अब डिफरेंस आया, हमें इनका एवरेज निकालना है, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, पाँच, सो पाँच से क्या करेंगे इसको डिवाइड, ये हो जाएगा फाइव डायगेट डायगेट टू ज़ा बचे यहाँ पे फोर, उसके बाद यहाँ पे फाइव एट ज़ा और यहाँ पे जीरो ज़ा, मतलब 280 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। सो बहुत ही सिंपल था, एक बार रिपीट करते हैं, फाइव टू ज़ा 10 बचे यहाँ पे फोर, फाइव एट ज़ा जीरो ज़ा, तो 280 इज द आंसर, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोला है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स In 2015 is 25% more than the population of city X in 2012. देखिए 2015 की बात हो रही है, 2015 में सिटी X का जो पॉपुलेशन है वो 25% ज्यादा है 2012 से। डेटा में 2015 नहीं है, मतलब हमें मिल जाएगा, सो डायरेक्टली लेते हैं। सबसे पहले देखो 2012 की बात करते हैं, 2012 सिटी X कितना था, 2012 सिटी X में 3200 था, 3200 का 25% ज्यादा, तो 25% 3200 का निकालेंगे तो 1/4, 25% 1/4 होता है, ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 3200, दैट इज 800 ज्यादा है, तो 800 इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4000। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे 2015 का, मतलब सिटी एक्स का 2015 का ये हो जाएगा 4000 वैल्यू, ये हो गया इसका, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्लस उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद बोला यहाँ पे कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाई 2015 is 11.9% more than population of city Y. अभी population of city Y in 2013, मतलब 2013 का डेटा उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो 2013 Y लेना पड़ेगा, देखना है 2013 Y दिख रहा है यहाँ पे 3600 का 11.9% ज़्यादा, तो 11.9% की वैल्यू होती है 1/9 लेना पड़ेगा 3600 का, वो होता है 400 ज़्यादा है, तो 400 इसमें ऐड करेंगे, 3600 में से 400 गया, 3600 में 400 ऐड हो गया, 4000 आएगा, तो ये फिर से 4000 आएगा, तो यहाँ पे ये 4000 ले लेंगे, ये हो गया अपना सिटी वाई का 2015 का। सो फिर से एक बार क्वेश्चन में क्या बोला है, 2015 का 25% ज़्यादा है, हमने 25% निकाला 3200 का, जो आता है 800 इसमें ऐड किया, डायरेक्टली 4000 आया। वैसे ही सिटी वाई का 2015 का पॉपुलेशन निकालना होगा तो 11.11% निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू होती है 1/9, 1/9 किसका निकालेंगे, वाई सिटी 13 का, वाई सिटी 13 में कितना है 3600 का 1/9 400 उसमें क्या करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा 4000 ऐड करेंगे, तो डायरेक्टली हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 8000, सो 8000 ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर। सो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल सा डीआई था, आप यहाँ भी इस एग्जांपल को बहुत ही इजीली ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी 2 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट अभी डीआई तो खत्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं। अभी सिंप्लीफिकेशन भी बहुत सिंपल, देखिए सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में हमेशा याद रखना है यहाँ पे, जब भी परसेंट और दो जीरो देखे तो उसको काट दो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 3, 3 × 12 120, 3 × 15, मतलब यहाँ पे 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे होगा 135, तो यहाँ पे पहला 135 आएगा, उसके बाद प्लस 75%, 75% मतलब होता है 3/4, ओरली करो 3/4, 4 से डिवाइड करेंगे 17 times 17, 3 जा हो जाएगा 51, मतलब 510 आ जाएगा, सो इसका आंसर आएगा 510, ठीक है, इन सब का एडिशन कर लेंगे, हो जाएगा 35 10 45, मतलब यहाँ पे 645 इसका एडिशन आ गया, इक्वल टू है x परसेंट ऑफ 1075, तो यहाँ पे x परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे आ जाएगा 1075। चलो फटाफट काटते हैं, दोनों नंबर कटेंगे 25 से, 25 जाएगा यहाँ पे 4 ज़ा, 25 जाएगा यहाँ पे 4 ज़ा, 25 जाएगा यहाँ पे 3 ज़ा, मतलब 43 आया, उसके बाद यहाँ पे 43 काटते हैं, 43 1 ज़ा 43, बचे यहाँ पे कितना 21 215, देख पा रहा हूँ मैं 43 5 ज़ा जाएगा, क्योंकि 40 5 ज़ा 20 200 और 3 5 ज़ा 15 जाता है, सो डायरेक्टली यहाँ पे 5 ज़ा करेंगे, ये कट गया, मतलब 15 टाइम गया, 4 इधर जाएगा 60, 60 इज द आंसर डायरेक्टली, तो यहाँ पे अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर इज 60। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन, बहुत लोगों को फ्रैक्शन लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ईजी रहता है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व पहले करना है, बाद में सॉल्व करना है। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इधर है, टर्म, ये टर्म पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे 2 + 5 = 7, 7 + 3 हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 लिख के रख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद
फ्रैक्शन हम देखेंगे, अभी होल नंबर नहीं है, पहले होल नंबर को हमने ऐड कर दिया, अभी फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 2/5 है, तो ये 2/5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2/5 - 2/5 कट गया, ये कैंसिल। उसके बाद और देख रहा हूँ यहाँ पे -3/4 है, यहाँ पे 1/4 है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली 3 1 उधर ऐड होगा, दैट इज 4/4, 4/4 मतलब 1 1 इधर ऐड हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 11, मतलब ये भी हो गया सॉल्व, ठीक है ना। अभी बचे हैं यहाँ पे 5/7, 2/7, 5/7 उधर जाएगा, क्वेश्चन मार्क इधर रहेगा, 5/7 उधर जाएगा, सो 2/7 में से 5/7 गया, हो जाता है हमारा 3/7, तो यहाँ पे 11 - 3/7 होगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क x इज इक्वल टू 11 - 3/7। इसका एक शॉर्टकट है, डायरेक्टली क्या करूँ, इसका प्रीवियस नंबर लो वो आ जाता है 10, दोनों का डिफरेंस लो आ जाता है 4/7, तो 10 4/7 इज द आंसर, यस 10 4/7 ऑप्शन नंबर 5, सो डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्लास यहाँ पे √524 उसके बाद +125 * 3 से इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली यह आ जाएगा 375 - 778, ओरली करते हैं, देखो 4 + 5 - 9 - 8 हो जाएगा 1, उसके बाद 2 + 7 - 9 - 7 हो जाता है यहाँ पे 2, उसके बाद 5 + 3 - 8 - 7 होता है 1 121 का स्क्वेयर रूट है, यह आ जाएगा 11 इज टू एक्स स्क्वेयर है, हमें एक्स स्क्वेयर निकालना है, तो ये हो जाएगा √11, सो √11 ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, शॉर्टकट। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखिए क्लास, यहाँ पे इंडाइसेस नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे 3 का पावर 1/2 + x है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर है सभी को 3 के बेस में लाना पड़ेगा, चलो लाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 3, यहाँ पे 3 है, उसके बाद इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का पावर 1/2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 देखो दिख रहा है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ, सबको 3 के बेस में लाना है, 27 जो है, 27 मतलब देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, 27 मतलब 9 * 3 हो जाएगा, ठीक है, अभी 9 * 3 में √9 जो है उसका स्क्वायर रूट आता है 3, तो यहां पे डायरेक्टली 3 लिखेंगे, उसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, इधर भी 1, √3 है तो यहां पे √3 को मैं 3 का पावर 1/2 लिखना चाहूंगा, ये हो गया, आते इधर फिर से अभी √243 की बात करते हैं, तो 243 मतलब होता है यहां पे 81 into 3 मतलब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 मतलब 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 to the power 2, नाउ नेक्स्ट √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का पावर 1/2 बचेगा, सो इसको हमने पूरा सिंप्लीफाई किया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 का पावर 1 आएगा, √3 को मैंने 3 to the power 1/2 लिखा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, नाउ नेक्स्ट 3 का पावर यहाँ पे देखो √27 जो है इसको मैंने 9 * 3 लिखा, √9 3 में आ जाएगा, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख लिया 3 का पावर 1, उसके बाद √3 था तो उसको 3 का पावर 1/2 लिखा, √243 को 81 * 3 लिख सकते हैं, 81 का स्क्वायर रूट 9 आता है तो 9 लिख लिया, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और √3 बचा तो √3 मतलब 3 का पावर 1/2, सो डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, नाउ यहाँ पे 3 का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे x, बस देखिए क्या क्या सॉल्व हो सकता है डायरेक्टली, ये 3 उसके बाद यहाँ पे 3, सबका बेस सम सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली पावर को ऐड करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 का पावर 1, 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1/2 + 1/2 + 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे +1/2 बचा, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, मतलब 6 + 1 = 7 + 1/2, और यहाँ पे 3 to the power 1/2 + x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 to the power 7 + 1/2 होगा, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, 1/2 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यूज क्या आने वाली है 7, एक्स की वैल्यू 7 ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, बट ठीक है थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ एग्जांपल होती भी ऐसे जिसमें 30 सेकंड तक लग जाते हैं, बट बाकी 20 सेकंड के अंदर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली क्या करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट है, हम लोग पॉइंट निकाल कर डिवाइड बाय 10 नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, 25 4 = 100 का 0, 10 कैरी करेंगे, 25 4 = 175 + 10 = 185 हो जाएगा, एक्जैक्टली 185 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, मतलब यहाँ पे 185, उसके बाद यहाँ पे 13 5 = 65 इसमें ऐड करेंगे, लास्ट डेट 5 5 + 0 आ जाएगा 1 कैरी, 9 + 6 = 15 का 5 यहाँ पे आएगा, मतलब 50, ऑप्शन में हमें एक ही दिख रहा है, पहला ऑप्शन इज द आंसर, सो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट सिंगल डिजिट से भी हमारा आंसर आ सकता है, चलो आते बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, नेक्स्ट एग्जांपल 9 का क्यूब क्वेश्चन मार्क √25, चलो ओके 9 का क्यूब है 7 to 9 उधर जाएगा माइनस होगा, तो 7 to 9 माइनस करते हैं, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, 11 में से 7 गए, यहाँ पे 4 बचा,
25 से काटते हैं, 25 जाएगा डायरेक्टली 16 टाइम्स, देख रहा है 25 इंटू 16 डायरेक्टली 400 होता है, एक्स क्यू वैल्यू 16, तो यहाँ पे एक्स क्यू क्या होगी 4, डायरेक्टली आंसर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस क्वेश्चन मार्क है, उधर जाएगा 2, इधर आएगा ये 2, इधर 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 बचे यहाँ पे, प्लस के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 बाय 21, तो 3 4 बाय 21, 4 बाय 20, बस ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर। नेक्स्ट एक्स परसेंट ऑफ 125, क्या मैं इसको 5/4 लिख सकता हूँ? यस, 125% की वैल्यू होती है 5/4 ऑफ एक्स, उसके बाद यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, हम डायरेक्टली करते ओरली, ठीक है? यस, 2.5%, 2.5% की वैल्यू क्या होगी 1/40, 1/40 0 0 गेट कैंसिल, 4 जाएगा 16 टाइम्स, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 16। उसके बाद यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, तो 256 जो है हम माइनस करेंगे 16 इसमें से, तो 240 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर 240। उसके बाद यहाँ पे 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 उधर जाएगा माइनस होगा, मतलब डायरेक्टली इसका आंसर बचता है 15, मतलब हम लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ पे 15, 5 जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 3 4 3 12 इज द आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। आते नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल 24% ऑफ एक्स 12 का क्यूब डायरेक्टली आ जाएगा, 12 का क्यूब क्या होगा 1728, अगर उधर जाता है तो 1830 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 1728 माइनस करेंगे, 30 में से 28 गया, 2 बचा, 1800 में से 1700 गया, 100 बचा, मतलब डायरेक्टली 102 आएगा, 24% की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 6/25, आपको हर परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे 24% कहाँ से आया 4% से, 4% की वैल्यू 1/25, 4 का 6 मल्टीपल है 24, इसलिए 6/25 ऑफ यहाँ पे एक्स आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इज इक्वल यहाँ पे हमारा आंसर आता 102, हमें पता है क्लास यहाँ पे 17 6 102 होता है, इसलिए 6 से यहाँ पे 17 टाइम्स जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 5 85 का यहाँ पे 5 8 कैरी करेंगे, 17 2 34, 34 + 8 42, 42 यस 425 ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। सो क्लास यहाँ पे बहुत ही सिंपल से एग्जांपल होते हैं आरआरबी क्लर्क के, आपको बस ऑब्जर्व करना है, जितना ओरली होता है उतना ओरली करो और आगे बढ़ो, ठीक है? नेक्स्ट 15वां एग्जाम्पल, 15 एग्जाम्पल डायरेक्टली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 50% निकालना आसान है, इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.2 0.8 हो जाएगा 1 33 हो जाएगा, 33 + 7 40 हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आता है वो आता है 40 जाएगा उधर, माइनस क्वेश्चन मार्क आएगा इधर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है 49 में से 40 गया 9 बचा, 9 मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 9, सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। और ये होता है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 55%, जब भी देखो यहाँ पे परसेंट और 20 आते तो पहले काट दो उसको, तो यहाँ पे परसेंट 20 कैंसिल, 14 से मल्टीप्लाई करना है, ओरली होता है 14 5 70, मतलब 700, 14 5 70 770 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 770 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 282, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा लास्ट जी 2 + 0 2 हो जाएगा, 7 और 8 15 का 5 1 कैरी 8 और 2 10, यहाँ पे 1052 उधर जाएगा, 12 का क्यूब हम लिख लेते हैं 1728, इसमें से हम लोग 1052 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 7, 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ पे बचेगा 6, मतलब 676, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 676, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 676 का स्क्वायर रूट 26, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिख रहा है 42%, मैंने फिर से वही बात कर रहे हैं अपन, परसेंट 20 दिख रहा है, इसको कैंसिल कर दो, 42 × 5 इसका शॉर्टकट है बताया था, 42 को हाफ कर दो 21 और एक जीरो लगा दो, मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 210। उसके बाद यहाँ पे 22.5%, ये देखो 22.5% की भी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू 2.5% से आया हुआ है, 2.5% की वैल्यू 1/40 होती है। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 25 मतलब 25 हम अजूम करेंगे 25 नाइनजा होता है 225, मतलब हम लोग यहाँ पे 2.5 नाइनजा कर सकते हैं, 2.5% की वैल्यू क्या होगी 1/40, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 9/40, सो डायरेक्टली इसके जगह लिखेंगे 9/40 ऑफ एक्स, सॉल्व करेंगे ये एक्स 6 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 5041 का स्क्वायर रूट,
देखो ये ओरली करना सीखो, ये किसके आसपास है, देखो 70 का स्क्वायर, राउंड फिगर नंबर का स्क्वायर होता है 4900 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब नेक्स्ट नंबर आता है 51, उसका स्क्वायर हो सकता है, तो लास्ट डेट क्या दिख रहा है यहाँ पे 1, तो 51 ही होगा, तो 51 हम डायरेक्टली ले लेंगे, तो 51 का स्क्वायर है ही वैसे, अगर आपको यहाँ पे ओरली करके देखना तो कर सकते। देखो 51 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 25 प्लस 1 26, उसके बाद यहाँ पे सॉरी गलत हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, ये 70 के आसपास है, 70 के बाद क्या आता है 71 आता है, तो 71 का स्क्वायर होना चाहिए, 71 हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा 6 7 42, यहाँ पे 426 हो जाएगा, ठीक है 210 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 210, माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा 216, तो 9/40 ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 216, 9 से काटते हैं 9 2 18, 9 4 36, 24 4 9 60, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, सिंपल था, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा इस एग्जांपल को, नाउ लिसन, हाँ 42% ऑफ 500, 20 इसके साथ काट दिए, 42 इंटू 5 होता है 210, यहां पे लिखूंगा 210 प्लस यहां पे 22.5% की वैल्यू अभी हमने निकाला था 9/20, तो डायरेक्टली आएगा 9/40 ऑफ यहां पे x आएगा, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5041, देखो यहाँ पे 70 का स्कोर होता है 4900, उससे थोड़ा ज़्यादा है, 70 के बाद 71 हम लेंगे, 71 का स्क्वायर पक्के में है क्योंकि बहुत ही पास है, तो 71 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 6 7 42, तो 426 इसका आंसर आया। अभी 210 उधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 400 में से 200 गया 226 में से 10 गया यहाँ पे 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 216, तो इसको काटेंगे उधर जाएगा, माइनस होगा 216। अभी यहाँ पे 9 से काटते हैं, 9 जाएगा यहाँ पे 2 18 बचा यहाँ पे 3, 9 4 से जाएगा, 40 उधर शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा 24 4 96 960 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्लास, यहाँ पे फिर से सिंप्लीफिकेशन, बहुत सिंप्लीफिकेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत इजीली मार्क मिल जाते हैं हमको, 13 का क्यूब होता है 2197, उसके बाद यहाँ पे 59 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं 25 प्लस 9 दैट इज 3481, यस इसका स्क्वायर 3481 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 681 यहाँ पे 00 आ जाएगा पक्के में, 34 में से 6 का यहाँ पे आ जाएगा 28, तो यहाँ पे 2800 हो जाएगा, 2197 उधर जाएगा, तो 2197 माइनस करते डायरेक्टली क्या हो जाएगा 2800 में से 21 हो गया, 700 बचा, 700 में से 97 गया, मतलब यहाँ पे कितना बचा 603, यस 603 है तो ऑप्शन में डायरेक्टली, यस आंसर इज 603। नेक्स्ट 7.5%, देखो इस बार मुझे यहाँ पे 2.5% की ज़्यादातर यूज दिखा, 2.5% का वैल्यू होता है 1/40, 7.5% 2.5% का ट्रिपल है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी 3/40, मतलब इसका वैल्यू हो जाता है 3/40, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा 3/40, इसको काट देंगे, 00 गेट कैंसल, ये जाएगा डायरेक्टली 18 टाइम्स, और यहाँ पे आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगा 18 54, मतलब 54 5 540, तो यहाँ पे लिखना चाहूँगा 540 आएगा डिवाइड बाय यहाँ पे x, इसको सॉल्व करते हो ओरली, देखो परसेंट 20 कैंसल, 15 3 45, मतलब 450, 15 2 30 450, और 30 480, तो इसका आंसर आएगा 480, 450 उधर जाएगा, 480 में से 450 गया 30 बचा, तो डायरेक्टली यहाँ पे इज इक्वल टू 30 लिख लेंगे, 00 गेट कैंसल, 3 जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 18 टाइम्स 18, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, डायरेक्टली करो। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 20 आते हैं 20 पर, क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को इंप्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 3 3 9 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 10/3, 4 3 12 प्लस 3 हो जाएगा 15/4, मल्टीप्लाई में आएगा 3 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 2 2 जाएगा यहाँ पे 5 5 5 25/2 आएगा, ये आएगा 25/2, मतलब देखो क्वेश्चन मार्क, मतलब x इसको भी कन्वर्ट कर लेते इंप्रॉपर में, इसका आंसर क्या आता 25/2, 15 4 63 63/4 -25/2, और यहाँ पे बचा है यहाँ पे 5, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, मतलब ये 50 हो जाएगा, 63 - 50 हो जाएगा 13 13/4, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 में से 13/4 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 20 20 - 13, ये हो जाएगा 7/4, 7/4 मतलब होता है 4 1 4 बचा यहाँ पे 3, पॉइंट लगेगा
सेवन ज़ा और फाइव ज़ा एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे 1.75 इज द आंसर, 7/4 मतलब क्या होगा 1.75 आंसर आ गया। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमारा खत्म, डीआई खत्म, मतलब हमारे पांच और यहाँ भी 15 एग्जांपल थे मेरे हिसाब से, टोटल 20 मार्क हमारे कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक की तरफ। अरिथमेटिक कोई भी हो लैंग्वेज पे कमांड रखो, क्लास लैंग्वेज प्रॉपरली पकड़ो और यहाँ पे वो जो बोल रहा है वो लिखते जाओ, मतलब आपका आंसर मिलते जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज 1386 स्क्वायर मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 5 रुपीज पर मीटर। देखिए आपको यह बोला जा रहा है कि कितना कॉस्ट लगेगा फेंसिंग के लिए, सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है मतलब, तो उसके लिए आपको कितना पैसा लगेगा ये पूछ रहा है। अगर यहाँ पे पर मीटर का कॉस्ट है 5 रुपीज़ पर, 5 रुपीज़ ठीक है, एक मीटर को 5 रुपये लग रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा सर्कमफेरेंस कितना है। और उसी जो एरिया है उसी का, उसी सर्कुलर फील्ड का जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है 1386। आपको पता है क्लास यहाँ पे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल यहाँ पे 1386। सिंप्लीफाई करेंगे, 22 से कटता है क्या, हाँ काट लेंगे, 22 जाएगा यहाँ पे 6 जा होता है 132, बचा यहाँ पे 6, 22 3 जा जाएगा मतलब 63 यहाँ पे आएगा। 63 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 7 = 9 और यहाँ पे आएगा ये 7 इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे 7 होगा। आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू निकालने के लिए 2 7 है, 1 7 बाहर निकल जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 7 × 3 = 21 मतलब रेडियस जो मिला वो 21 मिला। अभी आपको बोल रहा है टोटल कॉस्ट निकालो सर्कमफेरेंस का फेंसिंग वाला, सो हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर फील्ड है सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर होता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है दैट इज 21, ये 2 पाई आर, इतना फील्ड है सर्कुलर फील्ड उसका सर्कमफेरेंस है, फेंसिंग करने के लिए 1 मीटर का कॉस्ट है 5 रुपीज, तो डायरेक्टली इसको अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको यहाँ पे पूरा सर्कुलर फील्ड का कॉस्ट पता चल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 7 × 3 = 21, 22 × 2 दैट इज हो जाता है 44, 5 × 3 = 15 पे 15 हो जाएगा, 15 × 4 = 60 का 0 यहाँ पे 6 कैरी, 15 × 4 = 60 + 6660 इज द आंसर, यस पहला ऑप्शन दिख रहा है हमें आंसर। सो क्लास ये भी क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर वाला क्वेश्चन है, अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना होगा तो अभी ये मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आपको समझाना पड़ रहा है। सो क्लास आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज गुड्स वर्थ ₹6,000, शॉपकीपर के पास कुछ गुड है 6,000 रुपये का है, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको 6,000 रुपये दिया हुआ है। फिर बोला है ही सोल्ड हाफ ऑफ द गुड एट अ गेन ऑफ 12%, उसमें से कुछ गुड बेचे, आधे गुड बेचे हैं 12% प्रॉफिट में, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग हाफ ऑफ द आर्टिकल, मतलब बचे हुए आधे आर्टिकल बेचेगा वो कितने परसेंट प्रॉफिट में ताकि ही गॉट 18% प्रॉफिट ऑन द होल, मतलब पूरे पे 18% प्रॉफिट होगा। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस का लगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, बट यहाँ पे हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि एलिगेशन भी इसमें लग सकता है, हम लोग एलिगेशन लगा के डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिगेशन में आपको बोला है कि उसने आधे आर्टिकल बेचे 12% प्रॉफिट में, तो हम लोग क्या करेंगे 12% प्रॉफिट एक साइड लिख लेंगे। बोला है बचे हुए आर्टिकल, आधे आर्टिकल जो है बचे हुए वो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचने वाला है, तो हमें ये नहीं पता इसकी वैल्यू, तो हम लोग एक्स लिखेंगे। फिर बोला यहाँ पे कि एवरेज जो प्रॉफिट है उसका, मतलब यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है दैट इज एवरेज प्राइस, वो आपको दिया हुआ है 18, तो मैं 18 लिखूंगा बीच में। और हमें चाहिए क्वांटिटी का रेशियो, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, आधे आर्टिकल पहले बेचा आधे आर्टिकल बाद में बेच रहा है, मतलब रेशियो क्या आएगा 1:1 लिख लेंगे, 1:1 यहाँ पे 1:1 आएगा, मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 12, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा डिफरेंस यहाँ पे कितना 6 का, ये वैल्यू है इसका पार्ट 1 है, तो 1 पार्ट के लिए 6, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है कम, ऑब्वियसली एलिगेशन में एक वैल्यू कम होती है एक वैल्यू ज़्यादा होती है एवरेज प्राइस से, अभी क्लास ही कम है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, तो इस दोनों को ऐड करेंगे, 18 + 6 होता है 24% डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, दिस इज द आंसर। सो एलिगेशन जाएंगे तो जल्दी मिलेगा मेरे हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अटेम्प्ट बी अरेंज, परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है कंपेयर टू कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो परम्यूटेशन में सॉल्व कैसे करते हैं, अटेम्प्ट ये वर्ड दिख रहा है आपको, अटेम्प्ट में आपको कितने लेटर दिख रहे हैं वो चेक करो, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात लेटर है, 7 factorial आएगा डायरेक्टली, 7 factorial की वैल्यू क्या होती है डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए 5040, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा दैट इज 5040 डिवाइडेड बाय
अब यहाँ पे आपको रिपीट कितने बार दिख रहा है, कौन सा लेटर जो है रिपीट दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग उतना फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे टी टी टी, तीन बार दिख रहा है, बाकी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल टी ए मतलब थ्री फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू होती है सिक्स, सिंप्लीफाई करेंगे सिक्स जाएगा यहाँ पे सेवन जा 42, सिक्स एट जा 48, बचा यहाँ पे 2, 6, 4 जा और 0 जा, मतलब यहाँ पे 840, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। परमुटेशन बहुत आसान रहता है क्लास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ इन 2 मिनट्स। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का एग्जांपल है, बहुत ही इजी। ट्रेन क्रॉस करिए किसको, प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म का लेंथ डबल है किससे, ट्रेन से, ठीक है। ट्रेन की लेंथ आपको दिया हुआ है 240, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा 480, दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे अभी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड पूछ रहे हैं, वो भी मीटर पर सेकंड में, आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे 240 मीटर का लॉन्ग ट्रेन दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड हो जाएगा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन 240, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इसका डबल है, मतलब कितना हो जाएगा 480, डिवाइड बाय टाइम 2 मिनट है। लेंथ जो है वो मीटर में दिया हुआ है, टाइम 2 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ही अपना स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में आएगा। सॉल्व कर, दोनों का एडिशन कितना होगा 400, या फिर इंडिविजुअली काटता हूँ मैं, ये काट सकते हैं अपन ऐसे, देखो 0 0 गेट कैंसिल, 6 जाएगा यहाँ पे 8 जा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 जाएगा यहाँ पे 4 जा, 8 और 4 12, 12 बाय 2 6 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड उड़ा देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल है। मैक्सिमम अभी देखेंगे आप लोग तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ फॉर 4 ईयर इज एट 7% पर एनम इज 3360। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 7% पर एनम के हिसाब से 4 साल का, कितना 3360। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं, देखो 1 साल का 7%, 4 साल का 28%, परसेंट के हिसाब से चलते हैं। 28% के वैल्यू आपको दिया हुआ है 3360, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा 3360 जो है ये 28% की वैल्यू है, ठीक है। तो बोला है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम अमाउंट, उसी प्रिंसिपल पे दे रहा है, ऑफ मनी फॉर 2 ईयर 2 साल के लिए एट 5% पर एनम। तो क्लास आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल के बाद 5% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली। अभी आप यहां पे परसेंट मेथड से जाइए, हम 2 साल का नेट परसेंट चेंज लगाकर कितना इंटरेस्ट कंपाउंड मिल रहा है 2 साल का वो चेक कर लेंगे। 1 साल का कितना 5, 2 साल का कितना 5 प्लस यहां पे 5 × 5 डिवाइड बाय 100, मतलब यहां पे कितना आ जाएगा 10 + 25/100, मतलब 0.25, तो 10.25 आएगा। तो 10.25% ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 10.25% के वैल्यू निकालेंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्या बोला है 4 साल का 7% के हिसाब से, 1 साल का 7, तो 4 साल का 28%, मतलब 28% सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। उसका वैल्यू दिया हुआ है 3360, तो 3360 डिवाइड बाय 28%, मतलब उसकी वैल्यू जो गिवन है वो लिख लिया। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 5% के हिसाब से, तो हमने नेट परसेंट चेंज लगा दिए, 5 + 5 + 5 × 5 / 100, 10.25 जाएगा, तो 10.25% की वैल्यू निकालना है। परसेंट परसेंट गेट कैंसिल, पॉइंट हटा दिया, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 25 जाएगा यहाँ पे 4 जा, 25 आगे जाएगा 4 जा एंड 25 1 जा, और कटेगा कटेगा 4 से काटते हैं 4 7 जा 28 यहाँ पे बचेगा 4 8 जा भी जाता है ना डायरेक्टली, 4 8 जा 32 बचा यहाँ पे 1, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 0 आएगा, 28 से कटेगा क्या, हाँ 28 जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली, 3 जा 0 जा 30 आएगा, मल्टीप्लाई पे करते हैं 3 1 जा 3, 3 चौक 12, मतलब 1230 इज द आंसर, 1230 ऑप्शन नंबर 5, यस ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर। तो ऐसा ही से का भी बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, अगर हो सकता है तो अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ऐसा ही से को स्किप करने के बारे में सोचते हैं, होता है कोई एग्जांपल मॉडरेट होता है जिसमें टाइम लगता है, जो इजी बन रहा है उसको निकाल लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज, यस नंबर सीरीज आपको योगेश सर पढ़ाते हैं, बट फिर भी चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर सीरीज के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 × 10 + 2, क्या फिर डिफरेंस वाली सीरीज है क्या, हाँ डिफरेंस वाली सीरीज है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस ये नहीं है, डिफरेंस वाला सीरीज होगा। सो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है हमारा 14, इसका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कितना, दैट इज 121, इसका डिफरेंस आ रहा है कितना यहाँ पे, ये आ जाएगा 15 8 और यहाँ पे 28 आ रहा है।
तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 7 का टेबल आ रहा है, 7, 14, 21, 28, यहाँ पे 35 आना चाहिए, तो 35 लिरिक्स में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 5 = 0, यहाँ पर 1 कैरी, 8 और 3 11, 110, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, नंबर सीरीज आसान थी। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट सीरीज 27 में क्या दिख रहा है, नंबर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, ओके तो 6 × 2 वाला सीरीज फॉलो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 मतलब हो जाएगा 3 + 1 = 4 एग्जैक्टली, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 × 1 + 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे हो जा रहा है 4, साइन दोनों 12 + 4 = 16 एग्जैक्टली, उसके बाद यहाँ पे 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 16, इसका डबल हो रहा है, 16 × 4 = 64 + 8 हो रहा है, मतलब इसका डबल हो गया, उसके बाद यहाँ पे 72 × 8 करना पड़ेगा हमें, इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, इसका भी डबल करना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा 16, तो यहाँ पे 8 × 2 = 16 = 6, 1 कैरी, 8 × 7 = 56 + 1 = 57 और यहाँ पे 16 ऐड करेंगे हो जाएगा 2, 1 कैरी हो जाएगा 9 और यहाँ पे होगा 592, यस ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में भी दिख रहा है क्लास यहाँ पे कि इसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो है, मतलब फास्ट नहीं है, स्लो है, तो हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस वाला ही अप्लाई करेंगे, 28 32 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, दैट इज़ यहाँ पे +4 हो जाएगा, इसका कितना बढ़ रहा है +8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 8 4 ये भी देखते हैं, यहाँ पे 4 8 16 लेके देखते हैं, तो यहाँ पे 16 56 होगा, 56 प्लस ये करके देखते हैं सीरीज फॉलो हो रही क्या, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 16 2 32, यस 16 आ रहा है, मतलब 56 ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर, क्वेश्चन नंबर 29 26 63 124 1215, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस वाली सीरीज यूज़ करके देखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 में से 6 गया, 7 और 5 में से 2 गया, 37 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट ये हो जाएगा 1 12 में से 6 गया, 61, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 5 यहाँ पे गया, 121 - 12 = 91 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो सीरीज़ फॉलो नहीं हो रही, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा, 11 में से 7 गया, 4 बचा, यहाँ पे 5 में से 3 गया, 2 24, इधर आते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 30 हो जाएगा, मतलब 24 30, मतलब 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 का डिफरेंस देख के लेके देखते हैं, तो 6 अगर इसमें ऐड करूँगा तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 36 इसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 3 = 12 127 इसमें ऐड करते हैं, 7 और 5 = 12, 2 + 2 = 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 = 42 है क्या, 342 हो जाएगा, 342 मतलब ऑप्शन नंबर 4 3 इज द आंसर, ये भी नंबर सीरीज इसी थी, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाली सीरीज थी। चलो आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट सीरीज होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं 6 8 18 56 226, नंबर छोटे से एकदम बढ़ा जा रहा है, मतलब प्रोग्रेशन फास्ट थोड़ा दिख रहा है, स्लोली फास्ट हो रहा है, बट मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज हो सकती है क्या, नहीं अपन डिफरेंस वाली सीरीज करके देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा यहाँ अपना कितना 10, नहीं डिफरेंस वाली सीरीज नहीं दिख रही मुझे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाली करके देखते हैं क्या होगा, 6 1 = 6 + 2, उसके बाद क्या होगा 8 2 = 16 + 2, यस दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे 18 3 = 54 + 2, यस ये भी दिख रहा है, देखो (into 1 + 2 into 2 + 2), उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद 18 (into 3 + 2) होगा, यहाँ पे (into 4) हो जाएगा, उसके बाद (into 5) हो जाएगा, इसको (into 5 + 2) करना पड़ेगा, 226 (into 5) होता है 113 और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 1132, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज थी, सो डायरेक्टली अपना आंसर आ गया 1132। नेक्स्ट चलो नंबर सीरीज भी निपट गया, मतलब अभी तक हमारे नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन एंड डी आई क्लियर हो गया, अरिथमेटिक भी कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गए, ये क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है, एवरेज ऑफ 36 चिल्ड्रन द क्लास इज 15 ईयर, 12 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन हुज एवरेज एज इज 16 ईयर, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल 48 चिल्ड्रन टुगेदर, ये एवरेज का एग्जांपल है, एवरेज वाले मित्र से भी होता है, बट मैं जैसे रीड कर रहा था तो मुझे लग रहा है कि ये एलिगेशन भी हो सकता है, एलिगेशन से भी जा सकता है, मतलब पहले 36 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज एज दिया हुआ है 15 ईयर, 12 स्टूडेंट ऐड होते हैं, मतलब मिक्स हो रहे हैं, 12 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, उनका जो एवरेज है वो दिया हुआ है 16 ईयर,
और बोला यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल 40, मतलब आपको जो एवरेज मिक्स एवरेज होता है, मिक्स मिक्सचर की जो वैल्यू होती है, मतलब जो एवरेज प्राइस होती है, एवरेज वैल्यू होती है, वो आपको दिया नहीं है, वो पूछ रहा है। सो एलोकेशन लगा सकते हैं, चलो लगाते हैं। हमें क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज एज। तो एक साइड लिखेंगे 15, एज साइड लिखेंगे यहाँ पे 16, क्योंकि ये एवरेज एज ऑफ 50 है दिया हुआ है, ये भी एवरेज है, ये हमें निकालना है। हमें यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो चाहिए। पहले चिल्ड्रन कितने थे, 36, अभी बाद में 12 ऐड हुआ है, मतलब इसका हमें क्वांटिटी का रेशियो आएगा 3:1। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 3:1। देखो आपको ये पता है, ये वैल्यू निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते ही आ जाता है 45, इसको ऐड मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 16, डिवाइड बाय हम क्वांटिटी को ऐड करते ही हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 प्लस 6 51, तो 61 डिवाइड बाय 4 करते हैं। ऑप्शन पॉइंट में है क्या, हाँ है। 4 वन ज़ा 4 बचा यहाँ पे 2, 4 फाइव ज़ा 20 बचा यहाँ पे 1.0, 4 टू ज़ा 8 15.25, यस ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। इजी एग्जांपल था। नेक्स्ट चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे टू नंबर आर इन द रेशो 17:45, 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज लेस दैन 1/5 ऑफ द बिगर नंबर बाय 15। देखिए क्लास, मैंने आपको इक्वेशन बनाना पढ़ाया है। अगर बोला है ए इज लेस देन बी बाय 2, ए बी से छोटा है 2 से, तो आपको इक्वेशन बताया था लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो लार्जर वैल्यू बी माइनस ए इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बनेगा। वैसे इसमें आपको चेक करना है क्या बोला है, दो वैल्यू इस रेशो में है 17 और 45। हम यहाँ पे x लगाते हैं, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। 17x इज द स्मॉलर वैल्यू, ये हमारा बिगर वैल्यू। बोला है यहाँ पे 1/3 ऑफ द स्मॉलर वैल्यू, मतलब स्मॉलर वैल्यू का 1/3, और 1/5 ये लेस है किससे, 1/5 ऑफ द बिगर बाय 15। बिगर कौन सा है, 45x, उसका कितना 1/5, 1/5 कितना होता है 9x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9x बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो यहाँ पे 17x का 1/3 मतलब डिवाइड बाय 3, कितने से 15 से। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 27 माइनस 17 हो जाएगा 10x, डिवाइड बाय यहाँ पे 3 आएगा, विच इज इक्वल यहाँ पे 15 आएगा, 5 जाएगा 2 ज़ा, 5 जाएगा यहाँ पे 3 ज़ा, 3 ज़ा 9/2, तो यहाँ पे 9/2 ये मिला x का वैल्यू, ये x का वैल्यू मिला। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्मॉलर नंबर कितना है 17x, तो यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इधर भी 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 79 ज़ा 153, तो 153 डिवाइड बाय 2 होगा यहाँ पे 2, 7 ज़ा 14 बचा पे 1, 2, 6 ज़ा और यहाँ पे 76 1/2, ये 76 1/2 ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। इजी एग्जांपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे अ शॉपकीपर अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल है, जनरली स्टूडेंट स्किप करते हैं, बट कोशिश करना समझ कर सॉल्व करने की, आ सकता है। क्या बोला है, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम बट चार्जेस अ सेल टैक्स ऑफ 8% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब शॉपकीपर ने डिस्काउंट देने के बाद जो भी वैल्यू बनी डिस्काउंटेड वैल्यू उस पर भी टैक्स लगाया हुआ है, कितना 8% का। ओके फिर बोला यहाँ पे इफ द कस्टमर पेज, कस्टमर ने कितना पैसा पे किया 3402 एज द प्राइस इंक्लूडिंग द सेल टैक्स, मतलब यहाँ पे 3402 में सेल टैक्स इंक्लूड है। ओके उसके बाद बोला यहाँ पे द मार्क प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस निकालना आपको, मतलब मार्क प्राइस MRP निकालना है। सो MRP निकालना, तो हम एक काम करते हैं, शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 10%, डिस्काउंट किस पे मिलता है, ऑब्वियसली MRP पे, तो हमें MRP अज्यूम करना पड़ेगा। तो चलो हम MRP अज्यूम करते हैं, MRP हमने लिया X, डिस्काउंट कितने का दिया 10% का, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब बेचा कितने में 90% में, 90% की वैल्यू कितनी होगी 9/10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/10 आ जाएगा। अभी यहाँ पे MRP पे डिस्काउंट देने के बाद ये जो वैल्यू बनी ये क्या बनी, सेलिंग प्राइस, फिर सेल प्राइस। उसने क्या बोला यहाँ पे कि डिस्काउंट देने के बाद टैक्स लगाया 8% का, मतलब 8% का टैक्स, 8% लगाया मतलब 8% बढ़ाया होगा, 8% की वैल्यू क्या होती है 2/25 बढ़ाया मतलब 27/25 होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इनटू 27/25, ठीक है। और ये जो है ये उतना कस्टमर ने पे किया, मतलब इसको हम इक्वल लिख सकते किसके 3402 के। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MRP डिसाइड किया X, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90% बेचा, 90% बेचा मतलब 90% ऑफ X आएगा, 90% की वैल्यू 9/10, तो यहाँ पे 9/10 ऑफ X लिया, ये आया डिस्काउंटेड प्राइस। फिर उस पर टैक्स लगाया, टैक्स कितना लगाया 8%, 8% की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे 2/25, ठीक है।
टैक्स बड़ा ऑब्वियसली ऐड होगा तो क्या होगा, मोर होगा, मतलब यहाँ पे 25 में 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 27/25, तो 27/25 लगेगा इज इक्वल टू 3402, इतना कस्टमर ने पे किया। इसको सॉल्व करते हैं, 9 से पहले काटते हैं, 9 कटेगा यहाँ पे, 9 3 ज़ा 27, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा 77, 9 7 ज़ा 63 बचे यहाँ पे 7 9 8 जाएगा, चलो ठीक है कटा। 27 काटते 27 1 ज़ा 27 बचा यहाँ पे 10, तो 27 जाएगा यहाँ पे 4 ज़ा 108, यस एग्जैक्टली 25 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 14 5 ज़ा 70 का 0 7 कैरी 14 2 ज़ा 28 28 प्लस 7 30 और ये 0 लगने वाला है, मतलब 3500 ही आना चाहिए अपना आंसर, यस ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर है। चलो क्लास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 भी अपना निपट गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है, ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ द जॉब इन 12 डेज। अच्छा टाइम एंड वर्क है, इजी है, ज्योति जो है 3/4 वर्क करती है काम 12 दिन में। माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति, माला और ज्योति का इफिशियंसी रेशियो में मिल रहा है, लिख लेते हैं इफिशियंसी ऑफ माला अपॉन इफिशियंसी ऑफ ज्योति इज इक्वल टू यहां पे आएगा 2/1। ज्योति का टाइम दिया हुआ है 3/4 12 दिन में, मतलब 4 में से 3 काम अगर 12 दिन में करती है तो पूरा 4 काम, पूरा काम कितने दिन में करेगी, ऑब्वियसली 16 दिन में, ठीक है ना। तो 16 दिन में वो ज्योति काम खत्म कर रही है, ज्योति एक दिन में एक चेयर बनाती है, 16 दिन में 16 चेयर बनाएंगी, तो 16 चेयर ये आया टोटल वर्क। बोला है कितने दिन में माला फिनिश करेगी जॉब, माला का एफिशिएंसी कितना है 2, माला एक दिन में 2 चेयर बनाती है तो 16 चेयर कितने दिन में बनाएगी, ऑब्वियसली 8 दिन में, तो 8 दिन इज द आंसर। ये भी क्वेश्चन ओरली हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश, 80% पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, इफ 144 कैंडिडेट पास इन बोथ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वॉस। सो ये क्वेश्चन है एक्चुअली सेट थ्योरी का, सेट थ्योरी मतलब हम वेन डायग्राम से सॉल्व करने वाले। तो पहले तो हम लोग एक सर्कल बना लेंगे, जो सर्कल रहेगा इंग्लिश का, दूसरा सर्कल बना लेंगे, सेकेंड सर्कल हो जाएगा मैथमेटिक्स का। ये जो वेन डायग्राम बनाया ये मैंने पास वाले के लिए बनाया, और उसमें आपको बोला है 10% फेल हुए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले 70% पास हुए इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश बोला होता तो इसको अंदर लिखते हैं, बट इंग्लिश बोला है तो 70% बाहर लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जो पास हुए वो 80% पास हुए, तो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बोला, ओनली बोला होता तो अंदर लिखते, नहीं बोला इसलिए बाहर लिखेंगे 80। 10% फेल हुए, अभी 10% फेल हुए मतलब पास कितने हुए, टोटल पास कितने हुए मैथमेटिक्स और इसको मिलाकर 90% हुए थे, अभी पास 90% है। फिर ये बोला है इफ बोथ द सब इफ सॉरी कहा गया रे क्वेश्चन हाँ इफ 144 कैंडिडेट पास इन बोथ, दोनों में पास हुए 144, मतलब बोथ वाला पार्ट हम लिखते हैं बीच में 144। तो बोला यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वॉस, मतलब टोटल 100% कैंडिडेट पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 70% का ये पूरा सर्कल है, हमें यहाँ पे वैल्यू जो इनर वैल्यू होती है सबका एडिशन 100% आना चाहिए, सॉरी 90% आना चाहिए, क्योंकि ये पास वाला डेटा है, 10% तो फेल हुए तो 90% पास होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 70% माइनस 144, क्योंकि ये डेटा जो है इसमें से माइनस किया तभी तो ये ओनली वाला पार्ट मिलेगा। वैसे 80% में से भी माइनस 144 करेंगे तो ये ओनली वाला पार्ट मिलेगा। देखिए ये सर्कल पूरा कंप्लीट अपने पास 70% है, मतलब इन दोनों का जो एडिशन आएगा ये कट जाएगा तो ऑब्वियसली 70 रहेगा, तो 70% आएगा प्लस 80% माइनस 144, ये टोटल पास है, टोटल पास अपने पास कितना है 90%, तो इज इक्वल टू 90% ले लेंगे। यहां से ओरली करते हैं 70 80 150 90, इधर आएगा माइनस होगा कितना हो जाएगा 150 में से 90 गया 60 ऑब्वियसली, तो 60% जो है उसकी वैल्यू अपने पास 144 है। हमें बोला है टोटल कैंडिडेट निकालो, मतलब 100% निकालना है, तो यहां पे 100% की वैल्यू कितनी, तो ये आएगा टोटल वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करते हैं, परसेंट कैंसिल, 20 जाएगा 3 ज़ा, 20 जाएगा यहाँ पे 5 ज़ा, 3 से कटेगा 4 ज़ा, 12 यहाँ पे 2, 3 कटेगा यहाँ पे 8 ज़ा, 48 × 5 = 240, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, खत्म। नेक्स्ट 36 पे आते हैं, क्या बोला है, आओ इन इक्वालिटी, योर फेवरेट टॉपिक, इन इक्वालिटी में बहुत जल्दी मार्क मिल जाते हैं बहुत लोगों को, चलो फटाफट सॉल्व करें इसको। क्या होगा 32 के फैक्टर्स डायरेक्टली साइन मेथड से जाएंगे फटाफट, तो क्या होगा साइन लगेगा यहाँ पे प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे 8 4 ज़ा, तो 8 और यहाँ पे 4 आएगा, 12 8 ज़ा 12 और यहाँ पे 8 आएगा, प्लस प्लस ही रहेगा,
बस कंपैरिजन करना है, यह आएगा ग्रेटर, यह आएगा इक्वल, यह आएगा लेस, सॉरी लेस इक्वल लेस 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 देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यस। ऑप्शन नंबर 5 दिख रहा है, देखो इस बार यहां पे एक्स है, यहां पे एक्स है, यहां पे उल्टा ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होइएगा। वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, इट मींस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहां पे, ओके 22 सा पहले कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, 60 के फैक्टर्स निकालना है, 3 आना चाहिए, तो 60 15 4 जा 15 जो 60 नहीं होगा 20 सॉरी 22 जा 40 हो जाएगा, 40 के फैक्टर निकालना है, तो 8 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा 5, यहाँ पे 5 आएगा, साइन क्या लगेगा, माइनस है, तो पहला प्लस बाद में माइनस, ओके। नेक्स्ट 15 टू जा 30, 30 के फैक्टर निकालना है, 6 5 जा, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, साइन इसका रहेगा माइनस माइनस। अभी क्लास यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इसका हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेम है, बताया था क्लास में कि कोएफिशिएंट अगर सेम होगा तो आपको यहाँ पे डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ये आएगा हमारा ग्रेटर, ये आएगा ग्रेटर, ये आएगा ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लास, माइनस माइनस, चलो इसका निकल जाएगा, क्या आएगा फैक्टर, दैट इज 3 2 जा, तो यहाँ पे 3 2 साइन लगेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लगेगा माइनस, दूसरा आएगा यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 आएगा, इसका साइन हो जाएगा प्लस और यहाँ पे प्लस, ओके। कंपैरिजन ये हो जाएगा लेस ग्रेटर, लेस ग्रेटर मतलब आंसर क्या आएगा, सी एन डी, सी एन डी इज द आंसर, सी एन डी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 3rd, यस ऑप्शन नंबर 3rd, सी एन डी इज द आंसर। नेक्स्ट सो इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, 20 प्लस में है, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, 20 के फैक्टर्स आएगा 5 4 जा, सो यहाँ पे 5 5 एंड यहाँ पे आएगा 4, ये आएगा प्लस में, और वैसे ही यहाँ पे 18 टू जा 36, 36 के फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, तो 6 6 जाएगा ऑब्वियसली, 6 6 जा, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 आएगा, तब जाके एडिशन आएगा 12, बट इसका कोएफिशिएंट है 2, तो वो ऊपर वाले फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 10, कंपेरिजन करेंगे 10 ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन, तो अपना आंसर क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर दैन वाई, एक्स ग्रेटर दैन वाई ऑप्शन नंबर 1st इज द आंसर। ओवरऑल पेपर हमने देखा बहुत ही आसान पेपर था, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पेपर में डेफिनेटली क्लास पूरे 40 में से 40 अटेम्प्ट किए होंगे और आपको मिलना भी चाहिए, और ये अगर सॉल्व करने बैठे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, 20 मिनट के अंदर हो जाता है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है क्लास यहाँ पे 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने का, और पेपर मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही दिखेगा इजी पेपर, क्योंकि ऑब्वियसली 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करना होगा तो यहाँ पे पेपर इतना ही आसान आ सकता है, अगर पेपर मॉडरेट आएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, कौन के लिए 20 मिनट दिया जा रहा है 40 क्वेश्चंस के लिए, और रीजनिंग के लिए 25 मिनट दिया जा रहा है 40 क्वेश्चंस के लिए, हालांकि जल्दी हो जाएगा आपका। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर RRB PU and RCLR पेपर, थैंक यू सो मच क्लास।